जय श्री राम। यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सब, वेलकम बैक टू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस एक बार दोबारा से फिर हम खेलने जा रहे हैं श्री राम मंदिर गेम। तो गाइस आज का इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप इस गेम अपने श्री राम मंदिर गेम में ध्यान स्थल कैसे लगा सकते हो अपने गेम में और हवन स्थल कैसे ला सकते हो। तो गाइस देखो, वीडियो बनाने का मतलब ये है, मतलब वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है इन दो टॉपिक्स पर क्योंकि हमको कमेंट आए, बहुत दिनों से कमेंट आ रहे हैं, 5-6 ज्यादा कमेंट आ गए गाइस कि हवन स्थल और ध्यान स्थल अपने गेम में कैसे लगाए। तो गाइस देखो, आपको वही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात तो पॉइंट की ये है दोस्तों, आप ध्यान स्थल और हवन स्थल अपने श्री राम मंदिर गेम में तभी लगा सकते हो जब आप अपने गेम को लगभग 80-85 तक का अपडेट, मतलब टोटल कंप्लीट कर लोगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना रीडिंग ऊपर 80-85 तक, 83 लिख रहा है आपको। तो जब आप मंदिर जो है 80 तक कंप्लीट कर लोगे तो सहज आपकी जो हवन स्थल और ध्यान स्थल का जो एरिया है वो भी आपका अनलॉक होना स्टार्ट हो जाएगा और इतना आपके पास में बढ़िया पैसे भी हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पास है 12,244 फूल्स और साथ ही 4,099 ईंटे। तो गाइस चलो आपको बताता हूँ ध्यान स्थल आप कैसे अनलॉक कर सकते हो। तो गाइस देखो, बहुत सारे मतलब फोन में और बहुत सारे दोस्तों के पास में दिक्कत आ रही है हवन स्थल को अनलॉक करने में। तो गाइस देखो, अगर आपके गेम में कोई दिक्कत आ रही है ना हवन स्थल को मतलब अनलॉक करने में, तो गाइस मेरी बात सुनो, अगर आपने इसमें गेम में एक न्यू अपडेट आया था थोड़े दिनों पहले, तो आप अपनी इसमें एक अलग से आईडी बना सकते थे लॉग इन करके। अगर आपने वो बना ली है ना, और अगर आपने नहीं बनाई तो आप मेरा वीडियो जाकर देख लेना, ठीक है, उसमें आपको पता लग जाएगा। अगर आपने वो बना लिया है तो आपको गेम को डिलीट कर देना और दोबारा से डाउनलोड करना है, फिर उसको उसी आईडी से चला देना है इस गेम को, तो आपका जो गेम है यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। और जो आपकी टेंशन है ना, दिक्कत है कि भाई हमारा हवन स्थल नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, तो आपकी जितनी भी सारी दिक्कत है वो हट जाएगी, वो फाइनली गाइस स्मूथली बिल्कुल एकदम रिमूव हो जाएगी। जो भी आपकी क्रश है, आपके गेम में दिक्कत है, वो सब आपका गायब हो जाएगा। सो गाइस देखो, अभी गेम बोल रहा है कि भाई हमको सजावट भी करनी है, बट जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा, ये हमने ध्यान स्थल खोल लिया है और अभी हमको खोलना है हवन स्थल, जो कि दो कमेंट आए थे हमारे पास बहुत ज़्यादा। गाइस देखो, जितने भी कमेंट आते हैं तो उनका रिप्लाई अगर हम भाई कमेंट से ही दे पाते तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी दे पाते तो उनके लिए हम वीडियो बना देते हैं। और अगर आपको भी कोई कमेंट मतलब गेम से दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। सो गाइस देखो, मैंने इसमें आराम से ध्यान स्थल में पैसे खर्च करके, अपने फूल खर्च करके, पैसे बोल सकते हैं, फूल बोल सकते हैं, तो एक कर्मचारी ऐड कर लिया है। और साथ ही हम अभी दूसरी सेल्फ अनलॉक करने वाले हैं, जो कि देख रहे हो आप टिक भी आ रहा है हरा हरा सा। तो गाइस ज़्यादा कुछ फूल नहीं लगेंगे इसमें, तो अनलॉक करने में हमारा कुछ नहीं जाता। बट गाइस देखो, मैं आपको जो बोला वो जरूर करना आप, अगर आपका कोई गेम में दिक्कत आ रहा है ना तो आप गेम को दोबारा से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, डिलीट मार के। पर वो काम तभी करना आप जब आपने अगर इस गेम को लॉगिन कर रखा है, अगर लॉगिन नहीं कर रखा है तो गाइस वो डिलीट मत मारना गेम को, क्योंकि अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा तो आपका गेम जो है शुरू से स्टार्ट होगा और लगभग आपको 1.5-2 महीना लग जाएगा इतना सारा अनलॉक करने में। जैसे कि देखो, मेरे यहाँ पे गेम में भी दिक्कत आ रहा है, देखो गाइस श्री राम की जो मूर्ति है वो दिख नहीं रही है। ये बताओ, मैं आपसे कहूँ या डेवलपर से, मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, मैं डेवलपर से बोल सकता हूँ, बट डेवलपर भाई कुछ नहीं करते, कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं देते, बस एक बात 2-4 बातें बता देते हैं कि भाई ऐसा कर लो ऐसा कर लो। मेरे को ये बात डेवलपर ने ही बताई कि आप जब गेम दिक्कत करे तो आप इसको डिलीट मार के दोबारा से इंस्टॉल कर लो, और आपने अगर ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस आपको भी इसी तरह करना है। सो गाइस देखो, हमने यहाँ पे ईंटे मंदिर के लिए बहुत सारी इकट्ठी कर ली है, ये आपका वीडियो बोनस पॉइंट है, हम आपको दिखानेंगे कि भाई आपका जो लास्ट अपग्रेड मंदिर अपग्रेड जो ईंटे हैं वो कितनी लगती है, 4,000। और देखो जैसे ही हम उनको यूज़ कर देते हैं तो गाइज हमारा जो मंदिर है वो 100% कम्प्लीट हो जाएगा। तो देखो गाइज फाइनली कितना औसम लगता है मंदिर जब बन जाता है भाई। और देखो आप रीडिंग भी देखो ऊपर, हमारी जो श्री राम मंदिर की जो रीडिंग है वो पूरी 100% हो चुकी है, मतलब कि हमारा जो श्री राम मंदिर गेम है, गेम नहीं गाइज, जो हमारा श्री राम मंदिर गेम का जो ये मैप है ये बढ़िया हो चुका है। और हमारा एक मैप है केदारनाथ का, तो गाइज उसका भी गेम प्ले आपके पास जल्दी आएगा। और पहले तो आपको दिखा देते हैं यहाँ पे हवन स्थल आप कैसे अनलॉक कर सकते हो, कैसे क्या मतलब, वो तो आपको आता ही है, आप अनलॉक कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, आपको कुछ दिक्कत नहीं आने वाली, जैसे कि देखो मेरे पे नहीं आएगी, ठीक है। तो गाइस देखो, अभी आराम से बिल्कुल 5,000 फूल यहाँ पे खर्च करके हम हवन स्थल आराम से खोल लेंगे। देखो गाइस स्क्रीन पर खुल गया कि नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं आई, कोई क्रश नहीं है,
बस मेरे इस मोबाइल में गेम के साथ में कुछ दिक्कत ये है कि भाई हमारी जो राम जी की मूर्ति है ना वो नहीं दिख रही सही से। तो गाइस मैं कोशिश करूंगा कि डेवलपर से बोलूं और भाई मेरे को गेम डिलीट मार के दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा ये, तब लगता है गाइस मतलब भाई किस्मत होनी चाहिए कि भाई हमारी ये मूर्ति वापस आ जाए, ठीक है कि नहीं। अगर नहीं हुई तो गाइस डेवलपर को जरूर बोलना पड़ेगा कमेंट करके, ठीक है, और वो बताएगी कि क्या करना पड़ेगा इसके लिए। तो गाइस आई होप आपको जो बताना था मैंने, जो कॉन्सेप्ट था हमारी वीडियो का, जो टॉपिक था वो मैंने आपको बता दिया। तो गाइस अभी के लिए गुड बाय दोस्तों, मिलेंगे एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ में। तो गाइस जय श्री राम, तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में।